शहर के लोगों ने भी योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण का सीधा प्रसारण देखा। बता दें कि नगर निगम के शहर के सभी 70 वार्डों में सीधे प्रसारण देखने के लिए एलईडी स्क्रीन लगवाया गया है। इसी क्रम में नगर निगम परिसर में भी नगर महापौर सीताराम जायसवाल व नगर आयुक्त अविनाश सिंह के नेतृत्व में मौजूद कर्मचारियों और पार्षदों ने शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण एलईडी स्क्रीन के माध्यम से देखा। वहीं शपथ ग्रहण सम्पन्न होते ही ढोल नगाड़ों के साथ जमकर आतिशबाजी भी की गई। अगर वो एक जगह टेस्ट खेल रही है या फिर एक जगह वो मध्य प्रदेश खेल रही है, सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी इस सुन की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए नगर महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया, आज पूरे उत्तर प्रदेश में खुशी का माहौल है और गोरखपुर वासियों को विशेष खुशी है कि हमारे क्षेत्र के हमारे विधायक पूर्व मंत्री योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं, गोरखपुर उत्सव मना रहा है। इसी क्रम में नगर निगम में बड़ा स्क्रीन लगाकर मैंने अपने पार्षदों कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ इस पल को निहारने के लिए हम लोग वहाँ पर बैठे थे। सभी को बहुत अच्छा लगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी ने अपने 52 मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी पर विशेष हम लोगों का आकर्षण का केंद्र रहा कि वो हमारे इसलिए कि हमारे विधानसभा हमारे गोरखपुर के ही वो विधायक बने। साथ ही साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो एक सरल सुहृद और पिछड़ों के बड़े नेताओं में उनकी गिनती है, चुनाव हारने के बाद भी मोदी जी ने उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद दिया है। योगी जी